तिलक नगर भीलवाड़ा शहर में संघ की शाखा पर हुए हमले के खिलाफ शीघ्र व कठोर कार्रवाई हेतु भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में पूर्व मंत्री कालूलाल गुज्जर, भीलवाड़ा शहर विधायक विटल शंकर अवस्थी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक के सानिध्य में राज्यपाल महोदय के नाम पर जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने राज्यपाल महोदय के नाम पर जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में कहा कि कुछ लोगों द्वारा क्रॉस फर्जी मुकदमा लगाया गया है, जो तुरंत रद्द किया जाए। साथ ही इस मुकदमे से संबंधित दोषियों, समाज कंठकों, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान भाजपा नेता रूपलाल जाट, भाजपा जिला महामंत्री बाबूलाल टाग, भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष राजेश सेन, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कुलदीप शर्मा, किसान मोर्चा महामंत्री सत्यनारायण गुग्गड़, पार्षद किशोर सोनी, दिनेश सुथार, शिव प्रकाश चनालाल उपस्थित थे। भीलवाड़ा शहर में तिलक नगर स्थित पार्क में काफी लंबे समय से संघ की शाखा लग रही है। 23 तारीख को शाम को 6 बजे के लगभग कुछ असामाजिक तत्वों ने शाखा पर हमला किया और उसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिसका मुकदमा भीमगंज थाना के अंदर दर्ज हुआ है। लेकिन अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिस तरह से अपराधियों ने जिस हिम्मत के साथ में, जिस षड्यंत्र के साथ में हमला किया, और आप देखिए कि घटना के बाद में उन्होंने बचाव में एक झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया है और दबाव बना रहे हैं कि राजीनामा कर लें, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी बात को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, राज्यपाल महोदय के नाम पे एसपी साहब से मिले हैं। हमारी ये मांग है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है, प्राण घातक है, सिर में चोट है, अभी वो भर्ती हैं और भी कई लोग घायल हुए हैं और वो अपराधी तत्व हैं जो आए दिन इस तरह का आतंक फैलाते हैं, दादागिरी करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, उनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए और इसी बात को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि शीघ्र गिरफ्तार करें, शीघ्र कार्रवाई करें और जो झूठा मुकदमा दर्ज कराया है उसमें निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाएं। जिस तरह से ये घटना हुई है, ये बहुत दुखद है। मुझे याद है कि 1969-70 में जब हम कभी यहाँ पहली बार कॉलेज पढ़ने आए, उन दिनों में हम शाखा में जाते थे और उस समय ऐसे प्राय हमले होकर के शाखा को बंद कराने का प्रयास किया जाता था। उस जमाने से लेके अब तक संघ ने इतना प्रोग्रेस कर ली, इतनी शाखाएं हो गई और आजकल मैं सोचता हूँ थोड़ा शाखा के लगाने के लेकर कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सरकार में अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसा हुआ नहीं है। अपराधी बदमाशी कर रहे हैं, अपराधियों के ऊपर जिस तरह से लगाम लगनी चाहिए वो लग नहीं पा रही है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है किसी का शेय आ जाता है, उसके कारण से प्रशासनिक अधिकारी भी कार्रवाई करने में ढिले करते हैं। इसलिए आज हमने एसपी साहब को कहा है कि ऐसे बदमाशों को आप तत्काल पकड़ें, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई पूरी पुख्ता करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा ही जब आप है ना कार्रवाई में ढिले करोगे।